आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे अपने परिवार फ्रेशर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 174, तो इसको साथ में एक बार रीडिंग डालते हैं और इस पर समझते हुए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, ए रिडक्शन ऑफ 21% का कमी इन द प्राइस ऑफ एन आइटम, मतलब एक वस्तु के कीमत में 21% का कमी किया जा रहा है, ठीक है। अनेबल ए पर्सन टू बाय 3 kg मोर फॉर 100 रुपया, मतलब जब एक आइटम के दाम में, जब एक वस्तु के दाम में 21% का कमी हुआ उसकी कीमत में, तो एक व्यक्ति जो है 3 kg, अब ज़्यादा कोई भी चीज़ जो खरीद रहा होगा वो 3 kg अब वो ज़्यादा खरीदने में सक्षम हो गया है, और वही सेम रुपया पर, मतलब 100 रुपया पे ही, पहले भी 100 रुपया पर कोई चीज़ खरीदता होगा, लेकिन अब जो कीमत में कमी आया है उस कारण से 100 रुपया में वो अब कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 3 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो वो खर्च कर रहा है। द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर kg इज, जो रिड्यूस प्राइस है आपसे वो आइटम का पूछा है पर kg में, तो चलते हैं समझते हैं इसका मतलब। ये 100 जो है वो खर्च कर रहा है वस्तु को खरीदने में, ये 100 रुपया खर्च कर रहा है, इसका मतलब पहले भी 100 अभी भी 100, इसका मतलब क्वेश्चन में कहना चाहता है कि एक्सपेंडिचर जो है आपका वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो जाता है तो हम जानते हैं कि प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन कैसा हो जाता है, इनवर्स का। यहाँ आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, ठीक है, तो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू पकड़ते हैं 21%, तो प्राइस यहाँ हम लिख देते हैं इनिशियल और फाइनल। तो पहला प्राइस जो है, प्राइस 21% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 21% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में बदले तो ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब ये आपका क्या है, ओरिजिनल प्राइस, और ये क्या है, ये 21% का डिक्रीज वैल्यू है। तो पहले 100 रुपया उसका प्राइस था वस्तु का, अब 21 रुपया 21% मतलब 21 रुपया वो घटेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 7, यही होगा 79 होगा ना, हाँ ठीक है। अब फिर यहाँ पर आता है कंज्यूमशन और इसका दोनों प्रोडक्ट होता है एक्सपेंडिचर। अगर आप आज हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो फॉर्मूला पढ़ने के लिए आप प्रीवियस क्लास देखिए, उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए, उसमें मैं फॉर्मूला भी बताया इस तरह का कैसे ये लिखा जा रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो प्राइस और कंजम्पशन का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर तो यहाँ बोल रहा है कि सेम है, यहाँ भी है पहले भी 100 रुपया और अभी भी 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर तो सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स का। तो प्राइस का रेशियो 100:79 है, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना बनेगा, 79:, इतना बनेगा। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, अब इसको हम मिटा देते हुए, अब हमको काम है कंजम्पशन के रेशियो से, तो कंजम्पशन का रेशियो एक बार लिख लेते हैं इनिशियल और फाइनल, तो 79 और 100। तो देख रहे हैं यहाँ पर कंजम्पशन अब बढ़ गया है, पहले इनिशियली वो 79 कंज्यूम करता था केजी में, अब 100 kg कंज्यूम कर रहा है, तो कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 नहीं बढ़ा, वो कितना बढ़ गया है, 3 kg। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग 21 kg बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, 3 kg। तो 1 kg का मान निकाल लेते हैं, तो 3/21 kg काट देंगे तो 1/7 kg हो जाएगा। अब हमसे पूछा है द रिड्यूस प्राइस ऑफ आइटम पर kg बताइए, तो रिड्यूस प्राइस आइटम पर kg क्या होता है आपका, ये वाला होता है ये, ठीक है। तो पहले इसका kg में निकाल लेते, तो 100 kg का क्या होगा, अगर एक में 100 गुना करेंगे तो 100/17 kg हो जाएगा। अब इतना kg खरीदने के लिए रेट निकालने बोल रहा आपको,
मैं यहाँ बता यहाँ बताता हूँ, रेट निकालने बोल रहा है। तो रेट निकालने के लिए कितना खर्च कर रहा है, 100 रुपया, उसमें कितना केजी खरीद के ला रहा है, इतना। अब ये 100 से 100 ख़त्म, ये 7 उड़ेगा ऊपर, तो 700 केजी, इतना रुपया पर केजी हमारा आ गया। जो रिड्यूस प्राइस पूछा है ना, वो यही है, दाम घटने के बाद ही तो ये आया है ना, कंज्यूमशन यही ना आया है दाम घटने के बाद। तो इसका आपका पूछा है रुपया कितना पड़ेगा खरीदने में 100 केजी, तो 100 केजी खरीदने में कितना पड़ेगा, 7 रुपया पड़ेगा। तो ऑप्शन डी। प्रोसेस समझिए कि किस तरह से सॉल्यूशन होता है, एक दो बार इस पर अभ्यास जरूर करिए। क्वेश्चन को देख के मत भागिए कि क्वेश्चन बहुत बड़ा बता रहे हैं सर, नहीं, क्वेश्चन दोस्त बड़ा नहीं है, इसको आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये मौखिक माइंड में होने वाले क्वेश्चन माइंड में हो जाते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब सीखा मैथ तो डिटेल में पहले सीखा, जहाँ भी सीखा उसके बाद इसको आप मैं माइंड में कर लेता हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए डिटेल में कराना बहुत ज़रूरी है। पहले बेसिक पकड़ेंगे कि कैसे होता है, तब ना करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त, आप पहली बार वीडियो पे आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेशर क्लासेस के फैमिली का एक सदस्य बनने के लिए, और मुझे मोटिवेट कर सको, अपने भाई को मोटिवेट करो कि और वीडियो ला सके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यू व्हेन इच साइड इज डबल्ड। क्या बोला कि परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है सरफेस एरिया का, किसका, क्यूब का, सरफेस एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आया है वो आपको बताना है। कब, जब क्या होता है कि प्रत्येक साइड जो है क्यूब का, प्रत्येक साइड कितना कर दिया जाता है, डबल किया जाता है, कितना किया जाता है, डबल किया जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा कितना होता है, 6a² होता है। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है आपका साइड को, ठीक है। तो 6a² होता है, तो यहाँ पर 6 क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, तो हमारा 6 से कोई काम नहीं है, हमको किससे काम है, ए से, हमको किससे काम है, ए स्क्वायर से। तो साइड का जो कंपेरिजन होगा, साइड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है, हमको किससे काम है, ए क्यूब से काम है, ठीक है। इस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो साइड ए स्क्वायर है, मतलब दो बार साइड होगा, और उसको डबल किया जा रहा है, तो इनिशियल लिख लेते हैं और फाइनल लिख लेते हैं, चेंज के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साइड गुना में साइड तब नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो ए फिर ए स्क्वायर होगा, दो बार साइड गुना होगा तो ए स्क्वायर आएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में साइड का दो बार क्यूब स्क्वायर है, तो पहले कुछ रहा होगा उसको अब क्या कर रहा है, डबल किया जा रहा है। पहले 1 रहा होगा उसको मान लीजिए डबल कर रहा है तो 2 रहा, फिर 1 रहा होगा फिर डबल कर रहा है 2 रहा है। तो यहाँ पर गुना होगा तो कितना होगा, 1, और यहाँ पर गुना होगा तो कितना होगा, 4। तो कितना बढ़ गया है, साइड बढ़ रहा है कितना, 3, कितना से, 1 से। प्रतिशत को, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना परसेंट का साइन, तो 300% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, एरिया में जो चेंज हुआ है वो 300% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो 300% ऑप्शन बी हमारा राइट है। समझे, इस क्वेश्चन में समझने वाला है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आप लिख लोगे, ठीक है। अब उसमें ये समझना है कि ये जो 6 होता है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई काम नहीं है, और जो ए स्क्वायर है, ए हमारा साइड है, तो ए स्क्वायर पर ये परसेंटेज जो है इस पर टूटेगा, ठीक है। सिर्फ हमको ए स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं समझते, वो फंसे रह जाते हैं। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि फार्मूला लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछा है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला लिख लिए, 6 कांस्टेंट टर्म, इससे हमको कोई लेन देन नहीं, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, तो ए बढ़ेगा,
क्योंकि ए को हम क्या माने हैं, साइड, तो यहाँ पर साइड गुना साइड हो रहा है, तो दो बार साइड तब ए स्क्वायर आया। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आता है, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कि मैं वीडियो लाने में मुझे हेल्प मिलता है, इससे लगता है कि हाँ मेरा मेहनत सफल हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर वीडियो को एक कमेंट करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।